दोस्तों आज हम इस ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट हमारा आता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ये ड्राइवर सर्किट है, देखिए हमारा जो कैपेसिटर लगा है इसका वोल्टेज मैं देख लेता हूँ। देखिए 100 वोल्ट का है और 47 मेव का है, 7 वाट का है। तो यहाँ पर हम इस ड्राइवर में देखेंगे क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ कंपोनेंट मिसिंग है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा F1 करके दिया गया है। देखिए F1 F2 यानी दो फ्यूज रेजिस्टेंस लगे थे, तो फ्यूज रेजिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, फ्यूज रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए अगर फ्यूज रेजिस्टेंस नहीं तो हम कौन से वैल्यू का लगाएंगे। अगर जो भी दोस्तों आप ड्राइवर सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर आप दोस्तों 3 ओम से लेकर के 80 ओम तक लगा सकते हैं हाफ वाट में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका कलर कोड आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो मेरा 5 ओम में है तो मैं यहाँ पर 1 लगा लेता हूँ। तो आप 2 लगा लीजिए या 1 लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम दोस्तों। लेकिन आप अगर 1 लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है, तो आप 1 को लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 1 रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैं एसी वोल्ट देता हूँ इसको और चेक करता हूँ कहाँ पर मेरा फॉल्ट आता है। तो 1 पॉइंट तो हम यहाँ पर दे देंगे देखिए, और 1 को यहाँ पर दे देंगे क्योंकि इसी जगह से हमारा फेस न्यूट्रल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा मेन प्लग है दोस्तों, और इसमें हम वोल्टेज को ट्रैक करना आपको बताएंगे कहाँ पर हमारा कितना वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे ही हम लगा रहे हैं तो हमारा सीरीज बोर्ड ग्लो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा जो सीरीज बोर्ड है यहाँ पर जैसे ही दोस्तों इसको हम लगा रहे हैं, देखिए जैसे ही हम इस प्लग को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो बल्ब है वो शॉर्ट बता रहा है। अब इसमें हमारा शॉर्टिंग है कहीं पर, अब क्या शॉर्टिंग है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा कुछ गर्म तो नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा जो रेक्टिफायर है वो हमारा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक्टिफायर गर्म हो रहा है, तो रेक्टिफायर को सबसे पहले चेक करना है कि हमारा रेक्टिफायर सही है या ख़राब है। मल्टीमीटर को दोस्तों आपको बजर के रेंज में सेट करके चेक करना है। मल्टीमीटर में बजर का रेंज दिया रहता है दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बजर का रेंज दिया है, देखिए मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स बने हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा DC और AC। तो जो दोस्तों DC होता है उसमें हमारा एक तरफ रीडिंग आता है, एक तरफ नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ तो रीडिंग आ रहा है। अब हम जैसे दोस्तों प्रोब को उल्टा करेंगे तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं मिला, इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर सही है। अब AC वाला पॉइंट चेक करते हैं, देखिए कोई भी रीडिंग नहीं मिला है। AC वाले में किसी की तरफ दोस्तों रीडिंग नहीं मिलता है, यानी जैसे भी आप लगा लें रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हमको एक तरफ रीडिंग मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हो सकता है हमारा जो रेक्टिफायर है दोस्तों वो शॉर्टिंग है। यहाँ पर जो हमारा दोस्तों रेक्टिफायर है वो शॉर्ट हो गया है। अब इस कंडीशन में हम इस ड्राइवर को कैसे चालू करेंगे, देखिए जो हमारा रेक्टिफायर है वो शॉर्ट बता रहा है क्योंकि दोस्तों AC वाले पॉइंट पे हमारा रीडिंग नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिल रहा है। अब रेक्टिफायर को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कट कर देंगे। यहाँ से जो हमारा रेक्टिफायर है इसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रेक्टिफायर को कट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको 4 पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे 2 AC वाले पॉइंट, यहाँ पर 2 DC वाले पॉइंट। देखिए हमारे जो DC वाले पॉइंट है इधर हमारा प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है। अब हम इस सर्किट को कैसे चालू करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जुगाड़ से यहाँ पर रेक्टिफायर बनाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर रेक्टिफायर का वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों रेक्टिफायर बनाने के बाद इसमें 4 वायर निकाल लिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो आपको रेड और ब्लैक नज़र आ रहा है, देखिए रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है, और यहाँ पर दो दोस्तों एक ग्रीन एक येल्लो, ये हमारे फेस न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो दोस्तों हमारा ग्रीन और येल्लो है, यहाँ पर हम सबसे पहले AC देंगे, यानी इधर से हमारा 2 पॉइंट है, देखिए एक यहाँ पर हो गया और जो 1 पॉइंट है उस पर देंगे, यानी यहाँ से हम फेस न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट दे दिए और दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए प्लस माइनस आपको लगाना है, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेता हूँ
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो हमारा प्लस रहेगा हमारा इधर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट और हमारा इधर माइनस है, तो मैं माइनस को कनेक्ट कर लूँगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए एक हमारा प्लस पॉइंट इधर हो गया, इधर हमारा माइनस हो गया, इधर फेस और न्यूट्रल हो गया। अब दोस्तों एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर बोर्ड में अपने लगा करके, ये हमारा सीरीज बोर्ड है, तो यहाँ पर फिर से दोस्तों हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर दे दिए और दूसरे को दोस्तों यहाँ पर दे देते हैं। अब एक बार अपने बिजली के बोर्ड में लगाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमारा सीरीज वाला बोर्ड अब ग्लू नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर दोस्तों जो प्लग है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बोर्ड में लगा रहे हैं, तो हमारा कोई भी सीरीज वाला नहीं ग्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो शॉर्टिंग था और एक्टिव फायर से दोस्तों था तो हमारा सही हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए जो मेन कैपेसिटर है, देखिए मेन कैपेसिटर से ही हमारा MCPSP पर वोल्टेज जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक हमारा प्लस पॉइंट, यहाँ पर माइनस पॉइंट है। अब देखिए जो प्लस माइनस है यहाँ पर आ गया है, देखिए यहाँ से प्लस ले लेंगे, यहाँ से हम माइनस ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर से ही जाता है। जो कैपेसिटर में एक हमारा माइनस पॉइंट दिया रहता है, इधर माइनस है इधर हमारा प्लस है, तो यहाँ से दो पॉइंट निकला है। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज आया कि नहीं। तो मल्टीमीटर को देखिए हमने बजर के रेंज में सेट किया था, तो अब मल्टीमीटर को DC पॉइंट में आपको सेट करना है, DC 200 के रेंज में सेट कर लीजिए। अब दोस्तों सेट करने के बाद यहाँ पर फिर सीरीज बोर्ड में लगा दिए, और सीरीज बोर्ड में लगाने पर यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि हमारा वोल्टेज आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमारा अप डाउन हो रहा है, एक्यूरेट वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है। यहाँ पर मेन कैपेसिटर पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज घट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा कहीं से ना कहीं दोस्तों फॉल्ट है। यहाँ पर रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा कहीं से वोल्टेज ड्रॉप करा है। एक बार फिर से दोस्तों मल्टीमीटर ऑन करते हैं, अब एक बार चेक कर लेते हैं रेक्टिफायर पर, रेक्टिफायर पर देखिए दोस्तों वोल्टेज जो है वो नहीं आ रहा है, देखिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो एक बार दोस्तों हम चेक कर लेते हैं MCPSP लगा करके, शायद दोस्तों हमारा MCPSP लगाने पर काम कर जाए। तो एक बार दोस्तों हम MCPSP लगा कर चेक कर लेते हैं, शायद दोस्तों इस तरह वोल्टेज कुछ नहीं सो पाता है, तो एक बार आप MCPSP लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एक 9 वाट का MCPSP कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वायर को लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्लस माइनस को कनेक्ट करना है, देखिए हमारा इधर प्लस पॉइंट है और हमारा इधर माइनस है, देखिए इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया। अभी बार दोस्तों इसको सीरीज बोर्ड में लाकर हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है, तो अभी भी दोस्तों कहीं से ना कहीं से हमारा फॉल्ट है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ से हमारा फॉल्ट है, इसको आज हम सही करके ही मानेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा काम ही है दोस्तों कि डेढ़ से डेढ़ ड्राइवर को रिपेयर करना। तो इसको दोस्तों इंडक्टर कोयल सबसे पहले चेक करना है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो। यहाँ पर मैं इंडक्टर कोयल को चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 पॉइंट्स बने हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो देखिए इंडक्टर कोयल बिल्कुल सही है दोस्तों। अब जो दोस्तों प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों जो हमारा बल्ब है ब्लिंकिंग कर रहा है, अब दोस्तों ब्लिंकिंग करने का कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों मैंने रेक्टिफायर ख़राब था तो रेक्टिफायर लगा दिया, यहाँ पर जो फ्यूज रेजिस्टेंस था फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसमें तो दोस्तों कोई भी फॉल्ट मुझको लग नहीं रहा है, सिर्फ एक ही फॉल्ट है, हो सकता है दोस्तों कि मुझे ड्राइवर सर्किट 5 वाट का लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जो MCPSP है वो जला नहीं पा रहा है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं जलने का कोशिश कर रहा है लेकिन जल नहीं पा रहा है। तो जो जो दोस्तों ड्राइवर सर्किट है मुझे 5 वाट का लग रहा है। तो एक बार दोस्तों हम MCPSP को चेंज करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ से AC को डिसकनेक्ट कर दिया और यहाँ से दोस्तों मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर रिमूव कर दिया
और मैं दूसरा एम सी पी स्विच लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने दो दो चार एलईडी का एम सी पी स्विच है, यहाँ पर चार एलईडी का एम सी पी स्विच है। तो यहाँ पर एक बार इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, शायद दोस्तों अगर जल जाएगा तो समझिएगा दोस्तों कि हमारा 5 वाट का ड्राइवर सर्किट है। तो यहाँ पर इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ड्राइवर सर्किट अगर दोस्तों कम वाट करेगा तो आपका एम सी पी स्विच नहीं जलेगा। अब देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और देखिए दोस्तों, जैसे ही दोस्तों हमने सीरीज बोर्ड में लगाया, यहाँ पर हमारा एम सी पी स्विच फुल रोशनी में ग्लो हो गया, यानी कि दोस्तों कन्फर्म हो गया कि हमारा जो ड्राइवर सर्किट है ये 5 वाट का ड्राइवर सर्किट है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर ब्लिंकिंग कर रहा है तो आप एम सी पी स्विच कम वाट का लगाइए, आपका 100% चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डेढ़ से डेढ़ ड्राइवर को चालू कर सकते हैं। देखिए इसमें 5 वाट का हमारा जो ड्राइवर सर्किट था तो उसमें हमने इस एम सी पी स्विच को लगाया और हमारा वर्क कर गया। तो आप इस प्रकार से दोस्तों ड्राइवर सर्किट को चालू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।